आजकल बैंक के नाम से काफ़ी लूट हो रहे हैं, काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, तो अब आपको सावधान होने की बारी है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपका बैंक का खाते का पैसा खाली हो जाएगा। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको आप अपना के अपने खाते को सेव कर सकते हो या फिर आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम होगा उससे आप लड़ सकते हो। इंडिया में जितना भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द यूजर SBI का ही होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। तो SBI के नाम पर काफ़ी सारे ठग हो रहे हैं, काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, आपको पता नहीं होता। जब आपको पता चलता कि हाँ ये फ्रॉड था तो आपका अकाउंट खाली हो चुका होता। तो इनसे कैसे बचेंगे? सबसे पहले तो OTP ये सबको आपको शेयर नहीं करना है, जिसको आप ऑलरेडी पता होगा आपको। लेकिन कल रात को ही 8 बजे मेरे पास एक मैसेज आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, डियर यूजर योर SBI योनो अकाउंट विल बी क्लोज टूडे, क्लिक हियर ऑन द लिंक, अपडेट योर पैन कार्ड नंबर, ये वाला आपको लिंक मिलेगा। इसके बाद SBI बैंक लिखा है, मतलब ये SBI की तरफ से आया था। तो मैं क्या करता, इस पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड नंबर जब तक ना देता मेरा अकाउंट क्लोज हो जाता है। जो लोग भी SBI योनो अकाउंट चला रहे हैं, काफ़ी सारे लोग SBI अकाउंट तो चला रहे हैं लेकिन उनको SBI योनो एप्लीकेशन उनके मोबाइल पर नहीं है, लेकिन उनके पास भी ये मैसेज आया होगा। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट को खाली तो नहीं करेगा फिलहाल के लिए, लेकिन आपके मोबाइल के सिस्टम में जितना भी डेटा होगा वो एक मालवेयर के जरिए सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद हो सकता है आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। ये तो हो गया एक टाइप का। दूसरे एक और टाइप भी है जहाँ पर आपको बोला जाता कि आपको ये करना होगा नहीं तो आपका ये हो जाएगा। कोई और टाइप का भी मैसेज आ सकता है आपके पास, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास ये मैसेज आया है। तो आपके पास भी अगर आपको ये मैसेज आया है तो आप इसे इग्नोर करें, आपको तुरंत बैंक जाना होगा। हो सकता है ये SBI की तरफ से आया हो, आपको पता नहीं है, मुझे भी इतना कंफर्म नहीं पता। लेकिन मैं जब गया बैंक में, मुझे बोला गया कि ये नहीं है, हमारे बैंक की तरफ से ये सेंड नहीं किया गया था, इसीलिए मैंने इस लिंक पर क्लिक नहीं किया। अगर आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देंगे तो जिन्होंने मैसेज सेंड किया है उनके पास एक मेलवेयर होता है, वो सेंड करेंगे आपके मोबाइल में, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आपके मोबाइल में मेलवेयर आ जाएगा, उसके बाद उसके जरिए ही आपके सारा डेटा को वो डिटेक्ट कर लेते हैं। सो अगर आपको बचना है तो इन सभी लिंक से आपको इग्नोर करना है। जब भी कोई भी बैंक की बात आती है तो कोई भी बैंक आपको इस तरीके से ऑनलाइन ही ये सब कुछ अपडेट करने के लिए नहीं कहते। आपको बैंक की तरफ से जब भी मैसेज आता है तो आपको अलर्ट होकर पढ़ना है, उस SMS को रिप्लाई करना हो या फिर उसमें जो बोला गया वो करना हो, ये आपको तब करना है जब आपको बैंक के अधिकारी आपको करने के लिए बोलेंगे, जब आप फिजिकली बैंक में विजिट करेंगे। तो आई होप कि आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन में जो बताना चाहा आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इंस्टाग्राम में अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो नीचे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे।